जिला परिषद चुनावों में हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी जीत अर्जित करने वाले चैतन्य शर्मा ने अपने जिला परिषद वार्ड भंजाल की सीमाओं को लांघते हुए पूरे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू करते हुए विधानसभा चुनावों हेतु ताल ठोक दी है, जिससे विरोधी पक्ष की नींद उड़ने लगी है और उनको अपने पैरों तले जमीन खिसकती दिखाई देने लगी है, जिसका कारण है चैतन्य शर्मा बड़े सरल अंदाज से जनता के बीच जाते हैं और आम जनमानस को भी चैतन्य शर्मा के व्यवहार को देखकर लगता है कि मानो उनका अपना ही बेटा, भाई या दोस्त गगरेट विधानसभा क्षेत्र का भविष्य बनाने आ गया हो, जिसके पास अपने लिए व्यवसाय करने का नहीं अपितु जनता के लिए कुछ कर दिखाने का विजन भी है और खूब समय भी, जो भागम भाग में नहीं अपितु सुकून और चैन के साथ उनकी समस्याएं सुनने में विश्वास करता है। गौर रहे कि चैतन्य शर्मा की निशुल्क सोलर लाइट्स अभियान, स्कॉलरशिप योजना, खेल किट्स, मैदानों का समतलीकरण और निशुल्क एम्बुलेंस योजना के आगे सरकारी योजनाएं भी कुछ हद तक फीकी पड़ रही हैं और यही वजह है कि लोग बोल उठे हैं कि चैतन्य में कुछ दम है। आप भी देखिए इस संपर्क अभियान को। और अब एक बिल्डिंग वो खड़ी है, एक ये आधी खड़ी है और एक पहली तरफ दो मकान खड़े थे जिसको चोरों ने तोड़ता था। सात आठ दिन हमारे परिवार की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, भाषा तीर्थ गांधी फ्रीडम फाइटर और आश्रम जो चाबी के रखी है क्या बड़ी दुस्या यार।